अगर आपको आपकी पढ़ाई के 4 साल के दौरान 2 लाख की स्कॉलरशिप मिले तो आपको कैसा महसूस होगा? यस दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो स्कॉलरशिप लेके आया हूँ वो आपको पर साल 50,000 मतलब 4 साल के टोटल 2 लाख रुपीज एज ए स्कॉलरशिप देने वाले हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि स्कॉलरशिप की इंस्टेंट अपडेट्स आपको यहां से मिलती रहे। और इसके लिए हमने एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल की लिंक है, वहां से भी आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लोगे तो सारी अपडेट्स आपको इंस्टेंट मिलती रहेगी। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये स्कॉलरशिप का नाम क्या है। तो स्कॉलरशिप का नाम है स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप 2024-25 प्रोग्राम, जिसमें आपको टोटल आपकी डिग्री में 2 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये लोग स्कॉलरशिप के अंदर कौन से स्टूडेंट्स को इंक्लूड करते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि इंजीनियरिंग के हर एक ब्रांच हो गई, मेडिकल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, और उसमें भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, दोनों इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पर ईयर आपको 50,000 मिलेंगे, तो टोटल 2 लाख तक की आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी है, तो आपका फर्स्ट ईयर में 19 ईयर्स ऑफ एज ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आपकी 20 ईयर की एज होनी चाहिए। उसके बाद आप डिग्री प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, जितने भी यूजी प्रोग्राम है वो सारे यूजी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है। आप गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो या फिर ग्रांटिंग एड है कोई भी कॉलेज है ना, तो वहां पे भी ये एप्लीकेबल है। फुलफिल तक कितनी चीज है, फ्रेशर्स अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो सीबीएसई बोर्ड के अगर आप थे तो 80% होने चाहिए, अदर बोर्ड है मतलब गुजरात बोर्ड आईसीएसई तो 70% क्लास 12 में होने चाहिए है ना, और फिर आपके सीजीपीए 8 तो रहने ही चाहिए, मतलब आपको थोड़ा रैंकर रहना पड़ेगा क्लास में है ना, सीजीपीए 8 से कम होने चाहिए नहीं, और आपकी एनुअल जो इनकम है फैमिली की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल है, बाकी के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। टेक्निकल कोर्सेज में 1 साल का गैप अलाउ है, बहुत बड़ा गैप यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कैसे आपको मिलेगा, द स्कॉलरशिप फंड एलोकेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी इसको दिया गया है। जैसे कि JEE नीट के रैंक होल्डर से 1 से 1,000 रैंक है तो 50,000 की अमाउंट है, JEE नीट रैंक होल्डर है रैंक 1,000 1 से 2,000 है तो 40,000 की अमाउंट भी यहाँ पे मिल रही है ना, JEE नीट रैंक के होल्डर है 2,000 1 से लेकर के 3,000 नंबर है तो 30,000 तक की मिल रही है, अबाउ 3,000 है तो 20,000 तक की मिल रही है, वो 4 साल तक आपको मिलेगी। ऑल नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम है जिसमें फैमिली कैंडिडेट है तो 10,000 पर साल आपको मिलेगा अप टू द प्रोग्राम कंप्लीशन। डॉक्यूमेंट कौन से यहाँ पे सबमिट करवाने हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी करवा सकते हो, और 10th और 10th की मार्कशीट जो भी आपके पास है वो, सभी सेमिस्टर अगर आप आगे के सेमिस्टर में जाते हो तो सेमिस्टर वाइज मार्कशीट भी यहाँ पे आपको सबमिट करवानी रहेगी, सीट अलॉटमेंट लेटर, फीस की रिसिप्ट है ना, इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड का एक छोटा सा आपका वीडियो, पेरेंट्स का साथ का आपका घर का वीडियो, फाइनेंशियल सिचुएशन का वीडियो, स्वामी दयानंद सरस्वती के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो चाहिए, डॉक्यूमेंट में चाहिए एजुकेशन लोन की एक कॉपी अगर एप्लीकेबल है तो, सैलरी सर्टिफिकेट, आपके घर का जो 8 लाख से कम बोला है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म, पेंशन आ रहा है तो उसकी कॉपी, रेसिडेंटल प्रूफ चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस बिल हो, टेलीफोनिक वाटर कोई भी बिल हो, लास्ट 6 मंथ का चलेगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपका 1 ईयर का, एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कोई शॉप है तो उसका एक पिक्चर चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड है जमीन है तो उसका फोटो चाहिए, आपका एक डिक्लेरेशन चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन, घर के पिक्चर्स चाहिए घर से अंदर से घर से बाहर के, और एकेडमिक एक्सेलेंस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो आपको देना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन है, वहां से अप्लाई करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी लास्ट डेट कौन सी है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कहीं पे कोई नोटिफिकेशन ये रही, डेडलाइन कौन सी है, 31st अगस्त आपकी डेडलाइन है, मतलब ये मंथ में ही आपको इसको अप्लाई कर देना है, ये मंथ इसका लास्ट डेट है, 31st अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो आई होप ये जो स्कॉलरशिप है बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। तो ये वीडियो आपके सभी मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी कोई नई स्कॉलरशिप के वीडियो के साथ, दिल से बाय, टेक केयर।